मेरा नाम शहजाद कुरैशी है। अर्बन फॉरेस्ट की एक इनिशिएटिव हमने लिया है। कॉन्सेप्ट ये है कि जी कराची में ख़ास तौर पे टू स्टार्ट पे दैन इवेंचुअली पाकिस्तान में जहाँ जो करना चाहे उसको वो एक छोटे मिनी फॉरेस्ट उगा सकें। फॉरेस्ट इन द सेंस कि वो एक्चुअली मिमिक करेंगे, कॉपी करेंगे, उसी तरह की उसकी इन्वायरमेंट होगी जैसे कि एक फॉरेस्ट के अंदर होनी चाहिए। एक जापानीज़ टेक्निक है ये। एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उनकी मेथडोलॉजी जो डेवलप उन्होंने की है उसको हमने फॉलो किया। कॉन्सेप्ट ये है कि जी दिस इज़ अबाउट नेटिव स्पीशीज़। सो अगर यहाँ पे इंसान ना रहते होते, सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स उस ज़मीन को जिसको कोई जहाँ ह्यूमन बीइंग ना पहुँचे तो वहाँ एक नेचुरल साइकिल जो चल रहा है, बारिश होती है, सर्दी गर्मी, ख़ज़ां बाहर आ रहा है, मुसलसल चरिंद परिंद आ रहे हैं, वहाँ जो चीज़ पैदा होती है ऑटोमेटिकली वो वहाँ का नेटिव स्पीशी है। देर आर बुक्स, देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। सो ही सेज़ कि जी आपने वो नेटिव स्पीशीज़ लेनी है उस इलाके की, उस सॉइल को जो डिप्लीट हो चुकी है ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स फॉर दैट एरिया, उसको वो प्रोवाइड करना है। और वो बड़ा सिंपल है, with the sources around you, with that from that area. Key components are nitrogen and obviously carbon जो कि चाहिए प्लांट्स को। उसके लिए sources क्या हैं आपके पास? आपने जी fertilizer ले लिया which is cow manure, खाद हम वैसे ही डालते हैं। आपने वो खाद मिक्स करनी है उसके अंदर। आपने कार्बन कंटेंट के लिए आपने दो चीज़ें हम उसमें मिला रहे हैं। एक हम मिलाते हैं राइस हस्क विच इज़ टू मट्टी के अंदर जो है हम आसानी के साथ जड़ें पेनिट्रेट कर सकें। मट्टी इज़ बेसिकली जस्ट अ मीडियम जिसमें दरख्त खड़ा रहता है, ठीक है ना, और उसके आसपास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको वो सक करता रहता है। आपको पता है कि आप आज जो है टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप पानी में डायरेक्ट पौधे उगा लेते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं, सिर्फ पानी में वो पड़ी हुई हैं उसकी जड़ें और आप उसमें खाली न्यूट्रिएंट्स डालते रहें। इट विल जस्ट सक इन ऑल द, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो हम उसमें मिलाते हैं एक कंपोनेंट जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है वाटर रिटेन करने के लिए। सो हमने यहाँ पे बगास यूज़ किया विच मीन्स वो शुगर केन का जो बचा हुआ फुक्का होता है, जो आप उसे कहना चाहें, वो हमने मिल से मंगाया, वो हमने मट्टी के अंदर मिक्स किया। सो जो हम पानी डालते हैं ड्रेन आउट नहीं हो जाता, कहीं आगे फ़्लो नहीं कर जाता, एक चीज़। दूसरी हमने राइस खस डाली टू सेपरेट मट्टी के अंदर जो है वो जगह पैदा करे, ऑक्सीजन उसके थ्रू जो है वो अंदर जाती है और उसके बाद उनको ऑक्सीजन भी चाहिए रूट्स को। और तीसरी चीज़ फर्टिलाइज़र डाली है विच इनेबल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिवेलप। और उसमें केचवे चाहिए आपको, हर किस्म के दूसरे कीड़े चाहिए जो कि इनको खाएंगे। और मट्टी को फिर हम कवर कर देते हैं विद मल्च ताकि सूरज से जो इवेपरेशन है वो रुक जाए उसके अंदर, और जो साया रहे और नीचे नमी रहे, और उस नमी से जो है वो कीड़े पैदा होते हैं, वो कीड़े जो कि मट्टी के अंदर उसकी खुराक को बनाते हैं। इस टेक्निक को ज़ाहिर हज़ारों दफ़ा कॉपी वो ख़ुद कर चुके हैं। हमारे पड़ोस मुल्क में जो है वो कोई 70 दफ़ा हो चुका था ये। बड़े स्केल पे भी कर लिया, छोटे स्केल पे भी कर लिया। तो मैंने कहा दिस इज़ जस्ट, मतलब आई थिंक गॉड सेंट फॉर अस के यार ये एक नज़र आ गया है, फौरी तौर पे इसको हम लेकर आ जाए। फ्रॉम द फ्लोर टू अबाउट 20 मीटर्स यू हैव लॉट ऑफ सरफेस एरिया। So there is 30 times more oxygen production by just this little patch. So the 30 times more oxygen production, there is 30 times more pollution removal by them. Carbon dioxide इस्तेमाल करते हैं ना वो अपना खाना बनाने के लिए. So actually it drops down the carbon dioxide level. All the wildlife, all the insects and millions of other lives that roam around under the ground, over the ground, in the seas, उन सब का एक दूसरे के साथ बैलेंस है। आप अगर कोई एक जगह से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ निकाल के उसका बैलेंस निकाल देंगे तो उसके रेपरकशंस बड़े, मतलब इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। अच्छा, इट डजंट हैपन ऑब्वियसली, मिलियंस ऑफ ईयर लगे, हमने 100-150 साल में ही इसको अख्ताम के करीब ले आए हम इसको। इट्स ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स नेवर टू लेट। दैट्स व्हाट आई फील, मतलब यू नो आपकी समझ आ गया है। सो व्हाट्स द मोस्ट कॉमन सेंस थिंग टू डू? जस्ट डू दिस। Let's just try to bring it back and see how we can recover it. All of this was my individual efforts. इसकी जो methodology है वो बहुत जल्द मेरी website launch हो जाएगी, उस पर मैं सारा as a blueprint हम डाल देंगे। So you can copy the whole, उसमें species की list भी सारी हो गई, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं वो भी आपको नज़र आ जाएगा। You have to copy it and move forward। हमारी टेक्नोलॉजी या मैथडोलॉजी लें, उसको कॉपी कर लें। वो समझ ना आए तो हमें दे दें, हम यू नो जस्ट अरेंज फॉर द फंड्स। आई एम होपिंग पीपल विल फील compelled to actually go into their own neighborhoods, find an open space, convert it into forest patch. Masjidein are one of the very ideal target places. उसके अंदर already वुज़ू और वुज़ू का पानी जो है वो जनरेट होता है। That's all absolutely pure, clean, beautiful recycled water. That all should go to plants. सवाब जारिया, absolute सवाब जारिया, there's nothing like it. लोग मस्जिदें बनाने को सवाब जारिया कहते हैं। This is even you know a step forward actually. My dream is that I can offer this to companies to take over full parks in very, very dense areas of the city and convert them into forests. Minuscule 3 years time, you know, I can give them a complete forest, deliver a complete forest end to end. No problems, no issues. We will source for water, we will arrange for water, either sewerage or some other mechanisms, and you know, we'll find solutions to the problems. So hopefully I can convince a few big companies to invest in this cleaner environment initiative, I think, and you know, that'll be great. I get trees out of this. My kids can eventually see trees that I've always told them about, you know. Now I can't explain this, that what does that mean? क्या मतलब दरख्त पे चढ़ गए आप? What दरख्त? और कहाँ से क्या तोड़ लिया आपने? You know, this concept is so alien now कि they are दरख्त और उसमें फ्रूट लगते हैं और उसको आप तोड़ते हैं और उसे खा भी सकते हैं। You know that अब तो जो भी चीज़ है वो मंडी में या ठेले पे या बाज़ार में या स्टोर में इधर उधर मिलती है। आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस विल कैच ऑन लाइक अ वाइल्ड फायर एंड hopefully before I sort of sign off from this world, I mean there will be enough trees for, you know, we'll be able to say यार हमने मतलब कुछ किया था तो दरख्त लग गए बहुत सारे कराची में। That's good enough for me.